हेलो ऑल, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर क्लोथ्स। अब आप पहले देखिए क्लोथ्स क्या होते हैं। क्लोथ्स जो आप पहनते हो, ये जो मैंने पहना है, आप जो पहनते हो, सबको हम क्लोथ्स बोलते हैं। क्लोथ्स बेसिकली फैब्रिक है। फैब्रिक क्या करता है या किससे बना होता है? तो फैब्रिक फाइबर से मिलकर बना होता है। तो जो प्लांट होता है, आपने कॉटन प्लांट सुना होगा। कॉटन प्लांट एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कॉटन। उस कॉटन को जब हम वीव करते हैं थ्रेड्स में और फिर हम उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस क्लॉथ को हम एज अ फैब्रिक यूज़ करते हैं टू वीव आउट या मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब सवाल ये आता है, क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो आपने पहले एंशिएंट एरा में देखा होगा, जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, वो इनिशियली पेड़ के पत्ते पहनते थे, वो उसी से कपड़े बनाकर अपने आप को कवर करते थे। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हुई। आपने एक पिक्चर देखी होगी गुरु में ही वॉज वर्किंग, अभिषेक बच्चन हैड वर्कड अप टू मेक एन इंडस्ट्री, सेटअप एन इंडस्ट्री जिसमें उसने कपड़े बनाए थे। तो ये ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ था। तो क्लोथ्स क्यों ज़रूरी थे? दे मेक अस लुक अट्रैक्टिव। ठीक, आप जब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप बहुत सुंदर सुंदर दिखते हो। तो दे मेक अस लुक ब्यूटिफुल, दे मेक अस लुक अट्रैक्टिव, दे प्रोटेक्ट अस। आप जब आप बाहर धूप में निकलते हो तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी सन, हीट जो होती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। अभी सर्दियों में जब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो आपको वार्म फीलिंग आती है, क्योंकि वूल जो होता है वो आपको ही बाहर की जो ठंडी हवा है उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर जब आप डस्टी एरिया में जाते हो तो आपके स्किन के ऊपर डस्ट स्टिक ना हो, वो क्लोथ्स अपने आप ऊपर स्टिक करा के आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस। बरसातों में हम रेनकोट्स पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। ये गम बूट्स और रेनकोट वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं, जो हमें बाहर निकलते साथ ही वेट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्लोथ्स वर्क इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। वो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब सवाल आता है, ये क्लोथ्स बनते किससे हैं? तो क्लोथ्स फाइबर्स के बने होते हैं। अब फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के फाइबर्स हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल, अपने आप वर्ड क्लियर है, नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है। सिंथेटिक या मैन मेड या आर्टिफिशियल, जिसे हम बनाते हैं, दे आर मैन मेड। इसमें कॉमन एग्जाम्पल है कॉटन प्लांट का। कॉटन प्लांट से, मैंने अभी आपको बताया, कॉटन प्लांट से एक रॉ मटेरियल मिलता है कॉटन। इस कॉटन को फिर वीव किया जाता है इनटू, स्पन किया जाता है इनटू थ्रेड्स। फिर इस थ्रेड को हम वीव करते हैं इन क्लोथ, एंड दैट क्लोथ इज यूज्ड टू प्रिपेयर कॉटन क्लोथ्स, या कॉटन फ्रॉक्स, कॉटन कुर्तीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन वेयर्स, कॉटन शर्ट्स। तो ये सब हम फिर क्लॉथ्स के फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। सेम वे सिल्क वर्म, सिल्क वर्म इज एन एनिमल, तो एनिमल से भी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, दे आर नेचुरल फाइबर्स। तो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। वूल जो आप शीप से ऑब्टेन करते हो, अगेन दैट्स अ नेचुरल फाइबर। तो जूट, जूट प्लांट से हमें मिलता है, आपने जूट बैग्स देखे होंगे। आजकल तो मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव जूट बैग्स मिलते हैं। बॉटल के लिए जूट बैग अलग है, टिफिन के लिए जूट बैग अलग है, आप शॉपिंग करने जाते हो उसके लिए जूट बैग अलग है। एंड सबसे अच्छी बात, इको फ्रेंडली होता है। जूट इज एन नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल फाइबर्स क्या हुए? ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करें या हम एनिमल से ऑब्टेन करें, उसे हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, या सिंथेटिक फाइबर्स, या मैनमेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जिनको हम नेचर से ऑब्टेन ना कर खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे रेयन, पॉलिएस्टर, नायलन, ये सब आपने नायलन रोप्स देखी होंगी। आप घर में जब कपड़े मम्मी सुखाती हैं, ड्राई करती हैं, तो नायलन की रोप्स होती हैं, तो दैट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल फाइबर्स ऑलवेज एडवांटेजियस, या कुछ इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के ज़्यादा हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। तो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझाती हूँ। ये हुआ जो हम नेचुरल या नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ये हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। नेचुरल फाइबर्स थोड़े से वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ज़्यादा वेट
ले सकते हैं, ये ज़्यादा वेट नहीं ले सकते। आप जूट की रोप पर कोई चीज़ टांग नहीं सकते, ब्रेक हो जाती है, लेकिन आप नाइलन रोप्स यूज़ कर सकते हो कुछ भी टांगने के लिए, वो बहुत ज़्यादा वेट ले सकती है। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, कॉटन के कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आप कॉटन को स्ट्रेच नहीं कर सकते, जूट को भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, सिल्क को भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब ये अनस्ट्रेचेबल है। दीज आर स्ट्रेचेबल। कॉटन के कपड़े आप घर पे भी देखना, आप मम्मी से भी पूछना, मम्मी की आपने कॉटन साड़ियाँ देखी होंगी, कॉटन सूट देखे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनको आप, दे आर बेसिकली रिंकल फ्री, उनको बहुत ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, दे आर लो मेंटेनेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, तो बड़े प्यार से समझाइएगा। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, मैन मेड है। ये ड्यूरेबल नहीं होते, ये ड्यूरेबल होते हैं। ये ज़्यादा वेट नहीं ले पाते, ये वेट कैरी कर सकते हैं। ये अनस्ट्रेचेबल होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं। इनमें रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो दे आर ऑफ हाई मेंटेनेंस। ये रिंकल फ्री होते हैं, सो दे आर ऑफ लो मेंटेनेंस। दूसरा सवाल इस पे क्या बनता है, व्हाई आर सिंथेटिक फाइबर्स बेटर देन नेचुरल फाइबर्स? फिर सारे यही पॉइंट रिपीट करने हैं आपको, क्योंकि ये ड्यूरेबल हैं, रिंकल फ्री हैं, लेस मेंटेनेंस है इनके, ये ज़्यादा वेट ले सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। आई होप दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे अब बन जाएगा। और अब इनको हम पढ़ते हैं कि इनसे क्या बनाया जाता है। तो मैंने बोला नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, दोनों से ही हम क्लोथ्स बनाते हैं। तो कितने टाइप के क्लोथ्स हैं? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी यूज इन डिफरेंट सीजन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स देर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आई हैव डिवाइडेड क्लोथ्स। पहले वो क्लोथ्स जो हम समर में पहनते हैं, दूसरा वो क्लोथ जो हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, और तीसरा वो क्लोथ जो हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। समर सीजन अब आने ही वाला है थोड़े टाइम में, तो समर सीजन जो होता है उसमें हम लाइट कलर्ड के कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर कॉटन मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉटन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं समर्स में। पहला, जो लाइट कलर के कपड़े हैं, आप देखते हैं ज़्यादातर पेस्टल शेड्स आपको देखने को मिलते हैं समर्स में, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। ये लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, जो लाइट होती है ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ये बॉडी को ठंडा रखती है। काले कपड़े क्यों नहीं पहनते समर्स में, आपने कभी देखा है बहुत ज़्यादा काले कपड़े पहन के कोई नहीं निकलता सर में, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि काला जो होता है दैट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ हीट, एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ हीट इट मेक्स योर बॉडी फील वार्म। तो समर्स में तो ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, और ज़्यादा काले कपड़े पहनने से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करोगे और आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसीलिए वी प्रेफर वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, रादर दे रिफ्लेक्ट लाइट और दे रिफ्लेक्ट हीट। दूसरा, कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं? तो कॉटन जो होता है वो थोड़ा सा नेचुरल फाइबर है पहली चीज़। तो जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें पोर्स होते हैं, आप कभी भी कॉटन क्लोथ को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो पोरस होता है, उसमें पोर्स होते हैं। जो पोरस चीज़ होती है उससे एयर ईजिली मूव इन एंड मूव आउट कर सकती है। तो जब एयर मूव इन और मूव आउट करती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, और दूसरा वो स्वेट को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ योर स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। तो आपकी बॉडी से जब स्वेट एब्जॉर्ब होगा तो आपकी बॉडी ठंडक महसूस करेगी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर्स? वी यूजुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे हैव पोर्स विच अलाउ एयर टू पास एंड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द स्वेट दैट कीप्स अस कूल। नाउ वी वेयर स्टडी द क्लोथ्स वी वेयर इन रेनी सीजन। बरसातों में हम क्या कपड़े पहनते हैं? तो बरसातों में तो देखिए हमें ज़्यादातर अगर हम बाहर जाते हैं तो या तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं या फिर हम रेनकोट्स पहनना प्रेफर करते हैं विद गम बूट्स। रेनकोट जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है जो वाटर प्रूफ मटीरियल का बनता है। वाटर प्रूफ मतलब उसके ऊपर से पानी बह जाएगा, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और पानी को जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपको अंदर से ड्राई रखेगा। तो व्हाट वी प्रेफर वेयरिंग इन रेनी सीजन्स, वी प्रेफर वेयरिंग रेनकोट्स एंड गम बूट्स।
winter season. Winter season. My favorite season is winter season. I love winters. Winters में variety of attractive colors के woolen clothes आप पहनते हो. ज़्यादातर dark color prefer करते हैं आप sweaters में. Light color sweaters, dark color sweaters, blazers, coats, overcoats, jackets, scarves, gloves, मफलर्स, इतनी सारी चीज़ें आप विंटर्स में यूज़ करते हैं. तो जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो वूल के बने होते हैं. वूल अगेन एन एनिमल प्रोडक्ट, अ नेचुरल फाइबर. ये जो वूल होता है ये हीट को बॉडी में ही रहने देता है, उसको एस्केप आउट नहीं करता. तो जब वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एस्केप नहीं होने देता, तो हमारी बॉडी वार्म फील करती है, हमें ठंड नहीं लगती. तो वूलन क्लोथ्स नॉर्मली वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग द हीट एंड दे आर कीपिंग अवर बॉडी वॉर्म. तो आई होप आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा कि हम कौन से सीजन में कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. चलिए अब अपन देखते हैं क्लोथ्स कैसे किसी पर्सन के प्रोफेशन को डिफाइन करते हैं. आप कई बार कपड़ों से ही ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा. जैसे आपने किसी डॉक्टर किसी को देखा, लैब कोट पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, हेड गियर लगाया हुआ है, तो हम देखते समझ जाते हैं ये डॉक्टर होंगे. किसी ने खाकी पहनी हुई है तो हम उनको देख के समझ जाते हैं ये पुलिस में है. जो आर्मी मैन है, नेवी में है या पायलट्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स देख के हम समझ जाते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, कि ये दे आर द पर्सन इन यूनिफॉर्म. मतलब दे आर पायलट, दे मे बी पायलट, दे मे बी आर्मी पर्सनल और दे मे बी इन नेवी. सेम वे आप सिस्टर्स, आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप नर्स को भी देख के आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये इस हॉस्पिटल में नर्स होंगी. तो ये जो क्लोथ्स होते हैं ये किसी पर्सन का प्रोफेशन भी डिफाइन करते हैं. सेम वे हर हमारे पास 29 स्टेट्स हैं. इंडिया इज़ रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर, और हर स्टेट के अपने कुछ स्पेसिफिक अटायर्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. नॉर्मली इंडियन जो अटायर है, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो है साड़ी. साड़ी में वुमेन लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट एंड इट परसोनिफाइज अ लेडी. कभी भी आप देखें किसी लेडी को अगर परसोनिफाई करना होगा तो ही शी मे बी वेयरिंग अ साड़ी बिकॉज इट्स एन इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस. सेम वे हर स्टेट की अपनी कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. जैसे आंध्र प्रदेश का देखें तो आंध्र प्रदेश में जो मेन है दे यूजली वेयर धोती एंड कुर्ता, एंड जो वुमेन्स होती हैं दे वेयर साड़ी. आप पंजाब साइड जाओगे तो पंजाब में जो पर्सन आदमी होते हैं वो कुर्ता पहनते हैं और साथ साथ में वो तहमत लेकर रहते हैं. पजामा जिसको बोलते हैं उसको तहमत भी बोला जाता है. और जो लड़कियां होती हैं या मैरिड वुमेन्स होती हैं दे यूजली वेयर सलवार सूट्स, घाघराज में भी दिखती हैं. सेम वे वेस्ट बंगाल साइड जाओगे तो द लेडी मे बी वेयरिंग अ साड़ी एंड जो मेन्स होते हैं दे वेयर अ लुंगी. सो दीज आर दी ट्रेडिशनल ड्रेसेस एक पर्टिकुलर स्टेट की. आप चाइना में चाइना साइड जाएंगे तो चाइना द कंट्री हैज़ हानफू देयर ट्रेडिशनल अटायर. सो हर कंट्री की अपनी कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. सेम वे हम सॉक्स और शूज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, दे ऑल्सो कम अंडर क्लोथ्स. तो सॉक्स और शूज़ के क्या एडवांटेजेस हैं. आप सॉक्स और शूज़, आप सॉक्स क्यों पहनते हो, ताकि आपके जो पैर हैं वो वार्म रहे, उनको जर्म्स से आप प्रोटेक्ट कर पाएँ, डस्ट से प्रोटेक्ट कर पाएँ. बेयर फुट मूव करने पर, जब आप बेयर फुट मूव करते हो विदाउट योर शूज़ और सॉक्स, यू मे कैच इन्फेक्शन. स्पेशली सर्दियों में ठंड बैठ सकती है. अगर आप बाहर जाते हैं तो डस्ट रख सकती है, कट्स हो सकते हैं, इंजुरी हो सकती है. एंड नॉर्मली जब कहीं इंजुरी होती है, कहीं कट लगता है, तो दैट इज़ अ ब्रीडिंग साइट फॉर माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शंस. इसीलिए हम शूज़ एंड सॉक्स को प्रेफर करते हैं फॉर मूविंग आउट. और आजकल तो घर में भी बहुत सारे लोग घर में भी स्लीपर्स पहन के मूव करते हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट देयर फीट फ्रॉम कोल्ड एंड डस्ट. How do you take care of clothes? A very important topic now. जो clothes हमारी इतनी protection कर रहे हैं, हमें धूप से, सर्दी से, dust से, infection से बचा रहे हैं, उनकी care करनी भी बहुत ज़रूरी है. केयर कैसी की जाती है कपड़ों की. सबसे पहले जो भी आप कपड़े खरीदते हैं उनको हमेशा mild detergent में wash करें. हार्श डिटर्जेंट्स जो होते हैं क्लोथ के फैब्रिक को ख़राब करते हैं, फाइबर्स के ऊपर उनको फाइबर्स को हल्का कर देते हैं, उनके कलर्स को हल्का कर देते हैं. तो दे शुड बी ऑलवेज वॉश्ड इन माइल्ड डिटर्जेंट्स. वुलन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड इन स्पेसिफिक डिटर्जेंट्स दैट कम फॉर वुलन क्लोथ्स. आजकल मार्केट में इतने सारे ब्रांड के, इतने टाइप के डिटर्जेंट्स हैं विच आर यूज फॉर स्पेशली फॉर वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स.
सिल्क को बोला जाता है बहुत डेलिकेट फैब्रिक है, तो सिल्क शुड यूजुअली बी ड्राई क्लीन्ड. फिर आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स. तो मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स से बचाने के लिए घर में नैप्थलीन बॉल्स, जिनको मॉथ बॉल्स बोला जाता है, उनको वुलन क्लोथ्स के साथ रखा जाता है. अगर मॉथ बॉल्स नहीं है तो हम नीम की को ड्राई करके ड्राइड नीम लीव्स को भी वुलन क्लोथ्स के साथ रख सकते हैं. वो इनको मॉथ से या इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करती हैं. एंड लास्टली जो आपके वाइट क्लोथ्स होते हैं, आजकल तो बहुत सारा मार्केट में है, रिवाइव यूज़ कीजिए और टाइड सबसे ज़्यादा सफ़ेद, ये सब ब्रांडिंग है डिटर्जेंट्स की. जो वाइट क्लोथ्स होते हैं, अगर आपको उनको वाइट रखना है तो दे शुड बी डिप्ड इन इंडिगो. इंडिगो का यूज़ क्या है, देखिए बहुत साइंटिफिक है. मम्मी नील लगाती हैं कपड़ों में, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सफ़ेद रहें, इसलिए क्योंकि वो जर्म्स से भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड दे शुड ऑलवेज बी सन ड्राइड, तो आपके जो वाइट क्लोथ्स हैं दे वुड रिमेन वाइट. और जो कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, उनको हमेशा शेडी एरिया में ही ड्राई करना चाहिए, नहीं तो उनके जो कलर्स होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं. तो दिस इज़ दी साइंटिफिक रीजंस. मतलब आप घर में सब देखते हैं डेली है, लेकिन साइंस इज़ अबाउट दी एवरीडे लाइफ. या आप घर पर देख के चीज़ें ऑब्जर्व करते हो और बस उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजंस होते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. For any queries, any doubts, you can put up your query in the description box. And for more such videos, subscribe the channel. Keep watching, keep learning. Thank you so much.